नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। स्वागत करता हूं अपने विशेष क्लास इंटरनेशनल न्यूज़ में। तो दोस्तों आ जाइए सब लोग। क्लास क्यों ले रहा हूं, पहली बात तो सवाल ये उठेगा मन में, सारी दिन में कहां से आ गए, एक टाइम अवतरित हो गए आप। तो आज वीकेंड है कहने को, लेकिन आज मेरे पास थोड़ा समय था, मेरी दिन वाली क्लास ऑफ हो गई थी, तो मैंने कहा चलिए बच्चों से टाइम बात की जाए, फिर आपके साथ बात की जाए, क्योंकि मेरा दिन वाला क्लास आज किसी कारणवश नहीं हो पाया, 12:30 क्लास लौटा। तो मैंने कहा 1 बजे बात कर पाएंगे बच्चों से शायद हम लोग, लेकिन थोड़ा लेट हो गया हमें प्लानिंग करते करते क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, और टेक्निकल टीम के थोड़ा लेट हो गए हम लोग। कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग आ गए हैं, समय है हमारे पास 3 बजे तक आराम से, जितना हम बात करना चाहें करेंगे, मन नहीं लगेगा क्लास बंद कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आ जाइए सब लोग, आ जाइए फटाफट। तो मैं क्षमा चाहूँगा आप लोग, थोड़ा लेट हो गया मैं टाइम कुछ और दिया था, लेकिन कुछ टाइम ज़्यादा हो गया हमारे पास। कोई बात नहीं दोस्तों, आ जाइए सब लोग, आ जाइए फटाफट। तो चालू करते हैं सेशन अपने साथ। वीकली न्यूज़ हम बात करें, करंट अफेयर्स की बात करने वाले हम लोग। इस वीक में क्या घटनाएं हुई हैं आपके एनवायरनमेंट या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। आ जाइए दोस्तों सब लोग, आ जाइए फटाफट, हम चालू कर पाएंगे आराम सेशन आपके साथ। आपका वीकेंड नहीं रहता तो मेरा वीकेंड भी नहीं रहता दोस्तों, मेरा वीकेंड भी बिल्कुल नहीं है, मैं भी पढ़ाने बिलीव करता हूँ, पढ़ने पढ़ाने बिलीव करता हूँ। तो आ जाइए दोस्तों फटाफट, चालू करेंगे सेशन आपके साथ। तो शेयर वेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और क्या कहते हैं वो अपनी भाषा में कमेंट कीजिए, वो नहीं करें तो कोई अंतर नहीं पड़ता यार, पढ़ना पढ़ाने वाला काम है अपना, ना करो शेयर वेयर, सुन लिया करो यार, मेरा काम है टीचर, आप स्टूडेंट जो बाद में सुन रहे हैं वो भी सुनेंगे बेचारे, उनको नहीं मालूम क्लास हो गई बीच में, वो भी आ जाएंगे बाद में थोड़ी देर बाद, तो सबको सुनना है, सब सुनो आराम से, एंजॉय करो क्लास को। तो आज क्या किया जाए, पहले सोचा क्या किया जाए, फिर मुझे लगा चलिए कैसे सेशन लॉन्च करते हैं कि जिसमें हम लोग क्या करा करेंगे, हफ्ते भर की जो भी जिसकी आईआर की जो खबरें होती हैं ना, वो हम कर दिया करेंगे, थोड़ा सा आपको बच्चों को रिलैक्स हो जाया करेंगे, चलो आईआर एक जगह कम से कम हो गया हमारा, बाकी समस्या करा ही रहे हैं, पूरा अच्छा करा ही रहे हैं अपनी तरफ से वो, लेकिन जो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा योगदान दे सकता हूँ उनकी क्लास के अंदर, कुछ हस्तक्षेप कर सकता हूँ मैं, तो पूरी कोशिश करूँगा मैं भी कर पाऊँ, थोड़ा बहुत स्टूडेंट मैं भी हूँ करंट अफेयर्स का, तो मैं थोड़ा सिखा देता हूँ चीज़ें आपको, तो हम लोग बात कर पाएँ करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में कुछ चर्चा आपके साथ, क्या है इस वीक की अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो कोई वो सवाल वाल वो बता देना मुझे, आपको मैं सवाल ले लूँगा 10 मिनट में ना, लास्ट में चर्चा कर देंगे। हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, कल है 12 जनवरी, ठीक है, और कल है विवेकानंद की जयंती, नेशनल यूथ डे भी होता है देखो, उन्हें को विवेकानंद की जयंती है, और बहुत बड़ा दिन होता है मेरे लिए पर्सनली, मैं बहुत आइडल मानता हूँ उस व्यक्ति को, तो उनको मैं एक बार याद करेंगे आपके साथ, हम सुबह सुबह 8:30 मिलेंगे, मेरा क्लास 9:15 है, तो 8:30 मिलेंगे आपके साथ, बात करेंगे विवेकानंद सर के ऊपर, विवेकानंद जी के ऊपर, उनकी आइडियाज़ के ऊपर, और कैसे वो एक अच्छा इंसान बनाने के हमको प्रेरित कर सकते हो, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है उनकी फिलॉसफी में, उनके आइडियाज़ में, उनके विचारों में जो हमें सीखना चाहिए। तो पेपर 4 एथिक्स में काम आता है विवेकानंद के विचार, बात करेंगे आपके साथ जितना समय हो पाएगा, हालांकि विवेकानंद को समझाना समझना ज़िंदगी निकल जाएगी शायद हम लोगों की, तो लेकिन प्रयास करेंगे उन 45 मिनट के अंदर हम कुछ सीख समझ पाएँ, कुछ भी सीख समझ पाएँ तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो कल सुबह 8:30 मिलेगा मुझसे आप विवेकानंद वाली क्लास के अंदर, ज़रूर मिलेगा सर, बात करेंगे उस पर आपके साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं, ओके आ गए हैं सब लोग, कुछ लोग नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, सुन लीजिए आराम से। चलिए तो सबसे पहले प्रचार थोड़ा सुन लीजिए, प्रचार का माध्यम है, प्रचार सुनना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो भाई लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं, भाई बहन लोग यहाँ पर हैं, वो कर ही रहे हैं हम तैयारी, साथ ही साथ प्लस कोर्स भी चल रहे हैं क्लासेस आपके लिए। प्लस कोर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लेकर आया हूँ आपके लिए, करंट अफेयर्स ऑफ प्रीलिम्स, जो रेगुलर क्लास होती है आपकी वहाँ पर, करंट अफेयर्स ऑफ प्रीलिम्स 2020 के लिए, यानी इंश्योर करना है अपनी सक्सेस को, थोड़ा चांस बढ़ाना है, यहाँ भी सक्सेस इंश्योर होगी इस चैनल पर भी, लेकिन वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दे पाते हैं, बात कर पाते हैं, 1-to-1 चर्चा कर पाते हैं, तो वहाँ पर आपके थोड़ा नाज नखरे हम सुन पाते हैं आप लोगों के रहा। तो करंट अफेयर्स एट प्रीलिम्स की बात करें तो चालू हो गया है आपका वो प्लस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, प्लेटफॉर्म बताऊँ तो खास बात क्या है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, थोड़ा जूम कर पाएँ, फुल स्क्रीन कर दीजिए, इस प्रोग्राम दोस्त प्रोग्राम बताऊँ क्या 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 है चीज़ें, CAP में क्या क्या आता है दोस्तों, आपका CAP जो प्रोग्राम तैयार किया गया है, इन एसेंशियल प्रोग्राम फॉर प्री 2020 के लिए, एसेंशियल प्रोग्राम है दोस्तों बहुत ही आपके लिए, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम का प्रोग्राम है, क्यों, क्योंकि इसमें जो मैं सेक्शन कवर करने वाला हूँ वो आपके 50 से 60 क्वेश्चन मदद करेगा PT में करने में, 50-60 क्वेश्चन मदद करेगा करने में आपकी यहाँ पर वो, तो इसको आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, अगर आप जो करना चाहें, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, खासकर जो तैयारी शुरू कर रहे हैं अभी बिल्कुल 1 महीना 15 दिन हुए हैं, उनको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर सक्षम है अगर आप तो पढ़िए, 6 महीने का 3 महीने का लीजिए, लेकिन ट्राई कर देखिए कि आपको फील समझ आएगा अंतर कहाँ पर आता है। तो यहाँ पर प्री की बात करें, प्री 2020 इसमें शामिल होगा, 50-60 क्वेश्चन हम करेंगे इसके अंतर्गत, जो कंटेंट होगा इसमें कराऊंगा कि दोस्तों आपको यहाँ पर लिखने के बाद करेंगे कि हम लोग, तो 90 क्लास का प्रोग्राम मेरा पूरा कैप ही है, पूरा 90 क्लास का प्रोग्राम है दोस्तों कैप ही है, और इस कैप के 90 क्लास के प्रोग्राम में दोस्तों पर डे लगभग 1 घंटे क्लास होती है, तो लगभग 100 घंटे के आसपास समय मिल पाएगा हमको बात करने के लिए। इस 100 घंटे में यानी जनवरी से लेकर अप्रैल लास्ट तक, इन 4 महीनों में बटेंगे 100 घंटे, ये इन 4 महीनों में लगभग 120 दिन में लगभग फ्राइडे संडे क्लास नहीं होती है, तो अभी 90 क्लास होंगी आपकी और बटेगा आपका 100 घंटे इसके अंदर दोस्तों।
इस 100 घंटे में क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, बस समरी कर दें आपके संग, हम लोग इन 100 घंटों के अंदर दोस्तों करंट की जो भी चीज़ें आपके काम की हैं, जैसे कि द हिंदू, PIB, बजट, ईयरबुक की समरी करेंगे, नीति आयोग की रिपोर्ट्स देखेंगे, बहुत रिपोर्ट आई है इस बार भी, 14 रिपोर्ट आ चुकी नीति आयोग के साल भर के अंदर, बहुत सारे इंडेक्स आए नीति आयोग के वो भी देखेंगे आपके साथ, ग्लोबल इंडेक्सेस आते हैं, ईज ऑफ डूइंग, एमिशन गैप इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स आते रहते हैं वो हम करेंगे बात आपके साथ। इसके अलावा मैप लोकेशन, जो भी IR में खबरें हैं मैप लोकेशन जानते हैं हम लोग, पूरा IR पढ़ते हैं हम लोग मैप लोकेशन से, इसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स का पूरा स्कीम बनाते हैं, गवर्नमेंट के बहुत 125 स्कीम मेरे पास है बात करने के लिए, उन पर चर्चा करता हूँ मैं आपके साथ, योजना कृषि तक रक्स करेंगे आपके साथ, एनवायरमेंट और साइंस टेक की अपडेट, जी हाँ ये सेशन मैं लॉन्च करने वाला हूँ आपके लिए बहुत जल्दी ही, 1-2 दिन में लॉन्च होने वाला है वहाँ पर, तो सीधे लाइव क्लास कर सकते हैं, PIB हो चुका है वहाँ पर मेरा, तो जो ज्वाइन करेंगे PIB को मिलेगा वहाँ पढ़ने को, बाकी मैं ही नहीं जो अदर फैकल्टीज़ हैं उनको भी आप सुन पाएंगे, अदर फैकल्टीज़ को भी आप सुन पाएंगे मेरे साथ वहाँ पर, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या ज्योग्राफी हो, या कोई और सब्जेक्ट हो, उनको भी आप सुन पाएंगे मेरे अलावा। इसके अलावा साइंस के अलावा MCQ रहेंगे, 1000 MCQ रहेंगे दोस्तों वहाँ पर आपके लिए, 1000 MCQ, 10 टेस्ट, फुल टेस्ट डिज़ाइन किए मैंने आप लोगों के लिए वहाँ पर, और प्रिंटेड नोट्स जो PDF फॉर्म में रहेंगे आपको मिलना चालू हो गए हैं, और कुछ और मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो पूरी सामग्री रहेगी आपके लिए कैप के अंदर, लॉन्च हो गया है, अगर आप ज्वाइन आज भी करते हैं तो पुराना कोर्स कर सकते हैं, और नए कोर्स तो आपके साथ हैं ही है वहाँ पर, तो आइए वहाँ पर, इसके लिए आप यूज़ करेंगे अपना फेवरेट कोड जो है आपका आशीर्वाद 10, अनअकैडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे इसके लिए, पहले आप प्ले स्टोर से फिर प्लस का ऑप्शन चुनेंगे, और फिर UPSC एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो UPSC का चयन करेंगे, और सब्सक्रिप्शन बटन दबाकर दबाएंगे, आशीर्वाद 10 रेफरल कोड यूज़ करेंगे, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, तो आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही आपको, अगर आप मुझे मेल कर देंगे करने के बाद ashirwad.singhal@wifistudy.com पर मुझे मेल कर देंगे मेरे मेल ID पर कि आपने अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ किया है, बहुत बच्चे कर रहे हैं, थैंक यू दोस्त सभी, उन सभी को थैंक यू कहूँगा मैं यहाँ पर, .com पर आप यूज़ कर रहे हैं या मेल कर दीजिएगा मुझे आप लोग, और मेल करेंगे तो मैं आपको कुछ और जान के बात कर पाएंगे, 1-to-1 बात कर पाएंगे, मेरी जिम्मेदारी होगा सिलेक्शन आपका, मेरे द्वारा कोई भी नोट्स तैयार किया जाएगा जो वाईफाई पे नहीं भी है वो भी आप तक पहुंच जाएगा, मेरे क्लास नोट्स मैं ऑफलाइन क्लास में कराता हूं उनके नोट्स भी आप तक पहुंच जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे उस जगह पर, यदि आप यूज़ करते हैं तो आपको भी फायदा मिल जाएंगे यहाँ पर, यदि आप मुझे मेल करते हैं तो दोस्तों। इसके अलावा आप कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हैं वाईफाई पर, या कोई भी अनअकैडमी कोई एग्ज़ाम करते हैं, या बैंक का ले रहे हैं, कोई कोर्स लेना चाहते हैं, SSC कोर्स लेना चाहते हैं, वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड, वहाँ भी आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, तो आशीर्वाद सर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आशीर्वाद 10 का, आपको हर जगह डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। चलिए बाहर आते हैं टॉपिक से, प्रचार से, समय खत्म होता है प्रचार का दोस्तों, अब चालू करेंगे अपनी न्यूज़ पर हम लोग, क्या है हमारी खबरें, हमारा काम क्या है आज का, चलिए चलिए बाहर आते हैं हम लोग से। ओके चलिए दोस्तों आ गए हैं सब लोग, अब चालू करेंगे हम लोग, बिल्कुल सब चालू करेंगे, बिल्कुल समय खराब किए बगैर। ओके इस हफ्ते करंट अफेयर्स में क्या क्या था, करंट अफेयर्स IR में क्या क्या था, तो सुनिए आराम से दोस्तों। पहली खबर या कुछ बताऊँ हम क्या कौन कौन सी करने वाले हैं, कुछ आपने सुनी होंगी इस हफ्ते में चर्चा में रही थी, कुछ आपने सुनी होंगी, कुछ हम सुनाएंगे आपको यहाँ पर। जैसे आपने मैं देखा कुछ विशेष हुए इस हफ्ते भर में, स्पेशल क्लास हुई है कुछ आपकी, जैसे कुछ IR के मुद्दों पर क्लास हुई है, बात करें जैसे कि काला पानी विवाद, तो ये आपने जाना है बात, मैं भी कर दूंगा अपने एंगल से, काला पानी विवाद दिखा दूंगा आपको मैं। ईरान USA इशू चर्चा में रहा पूरे हफ्ते, ईरान USA का मुद्दा, पहले अमेरिका ने जनरल को मारा, फिर ईरान ने मिसाइल गिराई, और उसके बाद ईरान में एक प्लेन क्रैश हो गया वहाँ पर, एक यात्री जहाज़ क्रैश हो गया, क्रैश नहीं हुआ, बम से गिरा दिया गया, मिसाइल से गिरा दिया गया उसको, तो मिसाइल का प्रयोग किया गया उसके ऊपर, ईरान ने स्वीकार कर लिया है अब कि भाई हमने ही गिराया था यान को, ये एक बड़ी था। इस हफ्ते चर्चा में रही टर्क स्ट्रीम, बात करेंगे टर्क स्ट्रीम क्या है, ये चर्चा में क्यों आई है टर्क स्ट्रीम, बात कर इसकी भी करेंगे। इसके अलावा बात होगी आपके टर्की लीबिया संबंधों पर, बात यहाँ भी करेंगे किस प्रकार लीबिया में सेना भेज रहा है टर्की और क्यों भेज रहा है, चर्चा इसकी भी करेंगे आपके साथ। ये कुछ मुद्दे रहेंगे दोस्तों अपने संग बात करने के लिए। बाकी ऑस्ट्रेलिया की जो बुश फायर है या ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की जो आग है, मैं चर्चा उस पर कर चुका हूँ, स्पेशल ले चुका हूँ, तो बात नहीं करने वाला हूँ उस पर टॉपिक पर, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग पर बात नहीं करूँगा आपसे मैं, ये हमारे काम का नहीं है अब इस समय। इसके अलावा दोस्तों इंडिया फ्रांस एक एग्रीमेंट हुआ, उसकी बात भी करूँगा मैं आपके साथ, इंडिया फ्रांस संबंधों में बात करेंगे आपके साथ, जो चर्चा में रह सकते हैं यहाँ पर। और भारत के विदेश मंत्री, मैं कहूँ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारे हैं, विदेश मंत्री जो भारत के हैं, इन्होंने कई देशों के विदेश मंत्री मुलाकात की और अपना एंगल समझाया इन्होंने, CAA को लेकर, 370 को लेकर क्लेरिफिकेशन दिया हमने, जिससे हम लोग इन देशों के साथ संबंध ना खराब करें, उस पर बात करेंगे आपके साथ 5 मिनट के अंदर। तो दोस्तों ये टॉपिक करने के लिए हैं आपके पास, तो फटाफट लोग शेयर कर दीजिए आप लोग, आ जाइए सब लोग। अब मैं कुछ चैट वैट देख लेता हूँ, किसी कुछ कहना हो तो।
ओके ऋतु कह रही उत्तराखंड नेपाल काला पानी, ठीक है तू बिल्कुल सही बात है। तो राहुल, लालू यादव, लालू यादव भी देख रहे हैं हमको, लालू यादव अच्छा नमस्कार सर। मोहम्मद मंजीर भी हैं, शुभम मंडवाल भी हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक लेंगे आपके साथ आज का हम लेंगे वो है फेमस टर्क स्ट्रीम। हेड बनाएंगे टर्क स्ट्रीम, सुनिए जरा, नहीं हेड नहीं बनाएंगे, आप तो लिखते ही नहीं नोट्स ना, मेरी याद दिन में संडे को तो होगा, मैं बोलता हूँ हेड बनाइए, मैं क्लास की ऑफलाइन याद रहती है मुझे, तो आप चिंता ना करें आपको हेड नहीं बनाना है, सिर्फ सुन लिए टर्क स्ट्रीम मामला क्या है। तो टर्क स्ट्रीम मामला क्या, चलता हूँ आपको टर्क स्ट्रीम में लेकर। तो एक वीडियो देखते हैं आपके साथ, एक वीडियो देखेंगे आपके साथ, वीडियो की आवाज़ बंद कर देंगे इससे मैं और आवाज़ परेशान ना करें, इस वीडियो की आवाज़ बंदी है सिस्टम की। ये तस्वीरें देख रहे हैं दोस्त मेरे संग आप स्क्रीन पर, ये है एक महान तुर्की के, जानते होंगे उनको आप लोग ऐसे, ये है तुर्की के कौन राष्ट्रपति अर्दोन साहब, उनको जानते हैं, लेफ्ट में खड़े हैं, लेफ्टिस्ट नहीं मैं कहूँगा, पुतिन साहब हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं वो, इन दोनों को हम जानते हैं, अच्छी बात है। ये एक उद्घाटन कर रहे हैं जनवरी 2020 में, डेट भी दिख रही है पीछे आपको, उद्घाटन कर रहे हैं एक पाइपलाइन एक प्रोजेक्ट का दोस्तों ये। तो चलते हैं आपको लेकर प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ को सुन रही है, दो दो देशों के लोग खड़े हैं पीछे इनके, ये पाइपलाइन आपको दिख रही है बीच में इनके एक, और यहाँ से बटन दबाकर यहाँ से फ़ोन कॉल करके, इतनी बड़ी गैदरिंग दिख रही है आपको यहाँ पर। ये तस्वीरें हैं तुर्की और रूस के बीच चालू हुई पाइपलाइन को लेकर दोस्तों, उस पर हम जाएँ आगे बढ़ते हैं आपके साथ, छोटा दूँ पहले पाइपलाइन को यहाँ से, मेरा हमारे काम का नहीं है। ये पाइपलाइन क्या है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, नहीं कुछ दिख रहा अभी, काला है, काला है, ये काला सागर है, ठीक है दोस्तों, ये है काला सागर, दिख रहा है आपको बड़ा सा काला सागर, कहाँ पर है, ब्लैक सी, ब्लैक सी रूस बना है ऊपर यहाँ पर, रूस और तुर्की के बीच में आता है ब्लैक सी, ये रूस और तुर्की के बीच में है, ये रशिया है इधर पूरब का, ये रशिया है याद रखेंगे, रशिया का इलाका है, ये यूक्रेन है और ये क्रीमिया पेनिनसुला है जिस पर कब्जा कर रखा है रशिया ने आजकल, रशिया के कंट्रोल में है क्रीमिया, ये टर्की है और ये भी टर्की है, जानते ही आप लोग इसको। चलिए दोस्तों ये पूरा टर्की है हम नीचे इसके, तो ये एक पाइपलाइन आ रही है रूस से, पाइपलाइन गैस पाइपलाइन जो इससे होकर गुजरती है और पहुंच रही टर्की तक, इस पाइपलाइन का नाम है टर्क स्ट्रीम, क्या नाम है दोस्तों, टर्क स्ट्रीम, समझ में आ गई बात मुझे, यहाँ पर पाइपलाइन का नाम याद रखिएगा टर्क स्ट्रीम, टर्क स्ट्रीम तुर्की जा रही है पाइपलाइन और टर्क स्ट्रीम इसका नाम है, कोई समस्या मुझे नहीं है यहाँ पर। चलिए एक बात और देखते हैं आपके साथ, यहाँ पर इसको हटा दें आप लोग यहाँ से, ठीक है उद्घाटन किया वो हमने देखा यहाँ पर, अब थोड़ा सा नॉर्मल मैप देख लें आपके साथ, तो नॉर्मल मैप दिख रहा है मुझे यहाँ पर कहाँ से कहाँ जा रही है, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़ को देख के एक बार। तो ये जोड़ रही है रूस के अनापा को क्योकोए से तुर्की के, ठीक बात है दोस्तों, मुश्किल नहीं होगा। इस पाइपलाइन को बिछाया है रशियन कंपनी गैसप्रोम ने, इस पाइपलाइन को बिछाया है रशियन कंपनी गैसप्रोम ने, ठीक है याद रखिएगा काम की बात है ये, गैसप्रोम PROM गैसप्रोम ने बिछाया पाइपलाइन को, यहाँ भी कोई समस्या मुझे नहीं है, लेकिन समस्या कहीं और है। चलिए अब थोड़ा एनालिसिस कर लें इसका खबर का, एनालिसिस करना जरूरी, एनालिसिस करते हैं आपके साथ, विश्लेषण कर लें दोस्त, मुझे कहते हैं तो आप तेज़ बोलते हैं सर, तेज़ नहीं बोलूँगा नहीं चल पाऊँगा ना दोस्त, मैं मेरा काम ही तेज़ बोलना, मतलब अब मैं स्पीड में नहीं बोलूँगा, आराम से बोलूँगा धीरे धीरे धीरे, मैं सो जाऊँगा मालूम है, मैं चाहता हूँ सोया जाए, पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, मज़ा आता है पढ़ने पढ़ाने में, तो धीरे वाला काम मत करवाया करो मुझसे ना, नहीं समझ में आता तो रोक लो यार स्पीड को, थोड़ा कम कर लो स्पीड को, उसके बाद सुन लेना, या फिर कोई और यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं मुझसे यार, ये और लोग पढ़ा रहे होंगे कहीं ना कहीं, उनसे पढ़ लो यार, क्या अंतर पढ़ रहा है, सभी लोग अपने भाई लोग हैं, सभी लोग अपने दोस्तों हैं, कहीं से पढ़ लो अंतर नहीं पड़ता। ओके दोस्तों सुनिएगा आराम से, मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपसे, वो बात ये है कि ये जो पाइपलाइन बिछी है, ये पाइपलाइन से फ़ायदा क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ और एक बार चलता हूँ रूस में लेकर आपको मैं, समझ पाएँ हम लोग इस पाइपलाइन का एक समझ पाएँ। देखिए थोड़ा कलाकारी करेंगे, लाल कलर से यूज़ करेंगे, देखिए मान लीजिए रशिया है, ठीक है ये कुछ आधा यूरोप में है और कुछ एशिया में है, ठीक बात है, यहाँ पर यूरोपियन देश हैं रशिया के, इधर यूरोपियन देश हैं सारे, इधर यहाँ फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, ये यूरोप है, ठीक है, ये बाल्टिक देश हैं ऊपर इसके, बाल्टिक या जो आपके वो देश हैं आपके स्कैंडिनेवियन देश हैं, ये बाल्टिक सागर है बीच में, बाल्टिक सी है यहाँ पर, ठीक है मुश्किल समझ सकते हैं मोटे मोटे स्तर पर, इसके नीचे ब्लैक सी है यहाँ पर, ये टर्की है और ये एशिया का देश है, कोई समस्या नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से रूस से पाइपलाइन जाती है मालूम है कहाँ पर, यूरोप के अंदर एनर्जी पाइपलाइन जाती है, बिल्कुल जाती है, ये पाइपलाइन कहाँ से होकर जाती है, एक देश है यहाँ पर यूक्रेन, यहाँ पर यूक्रेन नाम का एक देश, उससे गुजरती है पाइपलाइन सारी, ये बात ठीक है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, पिछले कुछ समय से यूक्रेन और रूस के संबंध थोड़े खराब चल रहे थे, क्रीमिया पर कब्जे को लेकर खराब थे संबंध इनके, तो यूक्रेन ने कई बार इनकी पाइपलाइन को रोक दिया, टैक्स बढ़ा दिया इनके ऊपर का, तेल नहीं गैस नहीं गुजरेगी आपकी, तो रूस को क्या चाहिए था, पहली बात तो ये है पाइपलाइन का टर्क स्ट्रीम का गोल वो ये है कि रूस को यूरोप तक गैस भेजनी है, या तो यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, तो ऐसे में टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन क्यों बनाई गई समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पर आपके,
टर्क स्टीम पाइपलाइन बनाई गई है क्योंकि ये अल्टरनेट रूट है किसके लिए, रशिया टू यूरोप के लिए, रशिया से यूरोप गैस भेजने के लिए ये अल्टरनेट रूट है बनाया गया किसके द्वारा, रशिया के द्वारा। टर्क स्टीम पहली बात तो वैकल्पिक मार्ग है क्योंकि ये यूक्रेन को बाईपास करती है, यूक्रेन से गुजर नहीं गुजरती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, ये एक प्रकार से रशिया और टर्की की फ्रेंडशिप को मजबूत करता है। रशिया और टर्की फ्रेंडशिप मजबूत होना समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या है, टर्की जो कंट्री है ना वो पार्टनर है नाटो का, मेंबर है नाटो का वो, और नाटो का एक मेंबर रूस से दोस्ती कर रहे, रूस को और क्या चाहिए, सच्ची बात क्या हो सकती है। तो ऐसे में रूस के दो फायदे पूरे हो रहे हैं यहाँ पर, एक तो नाटो कंट्री से अच्छी दोस्ती हो रही है और दूसरा फायदा रशिया के लिए है कि यहाँ वो गैस बेच पाएगा अपनी यूरोप को। चलिए रहा, देखते हैं आपके साथ अपने आंसर में क्या लिखा है यहाँ पर, अपनी चीज़ों में क्या लिखा है। दोस्तों मैं बात कर रहा था टर्क स्ट्रीम की, तो दो रोल है टर्क स्ट्रीम के दोस्तों, यहाँ पर दो काम है टर्क स्ट्रीम के। पहली बात तो ये सिर्फ माल बेच पाएगा अपना ये कहीं ना कहीं, और यूक्रेन में निर्भरता कम हो पाएगी इसकी, अच्छी बात है। ये बछा कारण कंपनी कौन सी, कंपनी का नाम है गैस प्रोम, ठीक है याद रखिएगा। अब आइए एक बार यहाँ, इन प्रोजेक्ट्स के अलावा रशिया और कौन सी परियोजना बना रहा है, इन प्रोजेक्ट्स के अलावा रशिया और कौन सी परियोजना बना रहा है, सुन लीजिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैप दिखाता हूँ मैं आपको, अच्छा रहेगा, मैप से देखते हैं आपके साथ, मैप में कुछ चीज़ चलते हैं आपको लेकर खजाने में अपने, तो खजाने में चलेंगे लोग आपको लेकर दोस्तों, हम लोग यहाँ पर खजाने में चलते हैं, हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं यहाँ, हमारे पास कुछ है यहाँ पर, जी हाँ हमारे पास कुछ है यहाँ पर, इसमें अपने पास एनवायरमेंट आईआर, ये रहा आईआर, नीचे आएंगे दोस्तों हम लोग आईआर में थोड़ा सा आएंगे बढ़ेंगे, हम चलते हैं आपको लेकर रशिया पी फाइव का पार्ट है रशिया, ये रहा इंडिया रशिया, ठीक है। मैं आपको यहाँ मैप दिखाता हूँ कुछ, अब मैप देखिए समझिए मैं आपको यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, चलिए ये देखिए थोड़ा सा आराम से रहा। ये है रशिया की कुछ पाइपलाइन जो गुजर रही हैं, पहुँच रही हैं यूरोप तक, अल्टीमेट देश इनका यूरोप है, जिसमें एक आपकी दिख रही है ब्रदरहुड पाइपलाइन जो गुजरती है यूक्रेन से होकर, एक दिख रही है आपको ट्रांस गैस जो गुजर रही है यूक्रेन से होकर, काफ़ी बड़ी पाइपलाइन रशिया की हैं जो गुजरती हैं यूक्रेन से, ठीक है दोस्तों। ये यूक्रेन बना है आपका बीच में, यहाँ यूक्रेन बना है, ये यूक्रेन है, बड़ा सा देश है यूक्रेन। तो रशिया की बहुत से आप देख रही है, ये सब दिख रहा है ट्रांस गुजर रही है, सारी गुजर रही है यूक्रेन से होकर, ठीक बात है। तो ऐसे में रशिया को वैकल्पिक मार्ग चाहिए, तो रशिया कर क्या रहा है, ध्यान सुनिएगा, आजकल रशिया एक पाइप बिछा रहा है यहाँ से होकर जाएगी वो बाल्टिक सी होते पहुँचेगी जर्मनी तक, ठीक है। एक ये बना रहा है, एक बना रहा है वो ब्लैक सी, बताया मैंने आपको ब्लैक सी होते पहुँच गई वो यहाँ पर क्योंको, तो पहुँच गई ये बना दिया उसने यहाँ पर, यानी रूस क्या कर रहा है, वैकल्पिक मार्ग तैयार कर रहा है। तो यूक्रेन का विकल्प बना रहा है पहली बात तो, लेकिन दूसरे मसले क्या हो गई ना, जो जर्मनी जा रही है ना बाल्टिक सी होकर, उसको अमेरिका ने बैन कर दिया, नहीं बना सकते भैया, क्यों नहीं सकते, क्योंकि जर्मनी यूरोप अमेरिका कहता है मैंने रशिया पे सेंक्शन लगा रखा है, वो पाइपलाइन होकर नहीं ले जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर रशिया पे सेंक्शन लगे होने के कारण ये पाइपलाइन नहीं बन पा रही आजकल बाल्टिक सी वाली, ठीक है। तो एक ही मार्ग बचता है रशिया के पास, वो है टर्क स्ट्रीम को डेवलप करना, और टर्की साथ में आ गया कम से कम। तो टर्क स्ट्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है दोस्तों, अगर आपको याद हो 4 दिसंबर की क्लास मेरी, 4 दिसंबर जाना पड़ेगा पीछे आपको, आपको याद है कुछ पावर ऑफ साइबेरिया याद है किसी को, पावर ऑफ साइबेरिया दोस्तों को याद है, पावर ऑफ साइबेरिया दिखाऊं मैं आपको एक बार मैप में, याद हो जाए तो पावर ऑफ साइबेरिया याद है कुछ, पावर ऑफ साइबेरिया चलिए याद करें, पावर ऑफ साइबेरिया कुछ ये पाइपलाइन याद करें कुछ हमारे साथ, पावर ऑफ साइबेरिया याद है आपको, रूस से चीन जाती हुई पाइपलाइन का नाम था पावर ऑफ साइबेरिया, याद है आपको, ये रूस से पाइपलाइन जाएगी पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन, दिख रही है आपको स्क्रीन पर नाम इसका पावर ऑफ साइबेरिया, ठीक है। तो एक तरफ रूस गैस बेच रहा है चीन को, एक तरफ बेच रहा है टर्की को, यानी दोनों तरफ से हाथ फैलाकर आओ गैस खरीद के मुझसे ले जाओ, क्लियर दोस्तों। यहाँ पर 5 मिनट लूंगा मैं आपके, रहा बहुत कीमती मैं जानता हूँ 5 मिनट है, लेकिन सुन लीजिए बात, मैं भी थोड़ी पहले गैस में बात कर रहा था क्लास में अपनी, एक चर्चा क्लास में कर रहा था, आप भी सुन लीजिए। कैबिनेट हमारी कैबिनेट है ना, अभी एक फैसला किया उस दिनों पर, सुना हो करंट अफेयर्स में आपने, नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड याद है आपको, पढ़ा होगा आपने। हमारे यहाँ हम क्या कर रहे हैं सुनिएगा दोस्तों आराम से, हम लोग अपने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में ना गैस ग्रिड तैयार कर रहे हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट में गैस ग्रिड तैयार कर रहे हैं, पढ़ाया होगा उसमें सर ने आपको, पढ़ाया मुझे, ठीक है ये आप जानते हैं। मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, सुनिएगा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें, गैस की बात हो रही है तो बात करना ज़रूरी है आपके साथ कि गैस ग्रिड की चर्चा आप जानते हैं, आशीर्वाद सर के खजाने से कुछ और निकाल लें, क्योंकि पढ़ाई जाता क्लास थोड़ी पहले मैं वहाँ पर, तो आप भी सुन लीजिए क्योंकि फोल्डर खुला है तो आप भी देख लीजिए। यहाँ पर कोयला, कोयले के बाद नीलांचल, नीलांचल के बाद इंडिया फ्रांस,
ओके, ये रहा इंद्रधनुष, सुनिएगा आराम से। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, ये मैप थोड़ा समझेंगे आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है ये। ये मैप कहाँ से कहाँ जा रहा है? ओके दोस्तों, ये है गुवाहाटी शहर, ठीक है, ये है गुवाहाटी शहर, समझ सकते हैं गुवाहाटी मतलब ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, गुवाहाटी हो गया, ये गैंगटॉक बना है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही है आपको बहती हुई, ठीक है। ये गुवाहाटी हो गया, ऊपर नीचे मान लीजिए थोड़ा, गुवाहाटी ये है, ठीक है, गुवाहाटी हो गया आपका। यहाँ से बड़े की पाइपलाइन आ गई, ये अरुणाचल जाएगी, ईटानगर पहुँचेगी, यानी ईटानगर जा रही है, ईटानगर अरुणाचल कैपिटल आ गई। नुमालीगढ़ रिफाइनरी बनी है यहाँ पर, कोई समस्या नहीं है। जोरहट, इसका जोरहट पे आएगी, दीमापुर, कोहिमा, इम्फाल, यानी कौन कौन से कास्ट हो गए, असम हो गया कवर, अरुणाचल हो गया, ये आपका नागालैंड हो गया, और ये आपका कोहिमा इम्फाल हो गया आपका मणिपुर में, यानी एक दो तीन चार राज्य कवर हो गए इधर से इसके। दूसरा चयन देखिए, गुवाहाटी से पहुँचेगी ये शिलोंग, ये शिलोंग बनाए बीच में, फिर आएगी सिलचर, फिर पहुँचेगी ये सिलचर से अगरतला, और यहाँ से पहुँचेगी जरिए आइजोल तक, यानी आइजोल मिजोरम हो गया, वो त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, ये मेघालय हो गया, तीन राज्य और हो गए, टोटल सात राज्य, यानी देश की नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड, याद रखिएगा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड जो है सात राज्यों को जोड़ेगी नॉर्थ ईस्ट के, ऐड कर रहे हैं जो सात राज्य जोड़ेगी नॉर्थ ईस्ट के। ये काम की बात सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये बना कौन रहा है, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम थोड़ा याद रखिए, कंपनी का नाम क्या, बनाने वाली कंपनी का नाम इसको, उसका नाम है इंद्रधनुष, सात राज्य हैं तो इंद्रधनुष नाम है उस कंपनी, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, जो खुद ये कंपनी जो खुद है, ये देश की पांच बड़ी सरकारी कंपनियों का जॉइंट प्रोजेक्ट है, ये देश की पांच सरकारी कंपनियों का जॉइंट वेंचर है दोस्तों, ये थोड़ा याद रखिए, काम की बात आप आएगी आपके लिए, ये देश की पांच बड़ी जॉइंट कंपनियों का, सरकारी कंपनियों का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इनके नाम आप देख रहे हैं, इंडियन ऑयल, ONGC, गेल, OIL और नुमालीगढ़ रिफाइनरी, याद रख पाएंगे सर पाँचों दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पाँचों नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो ये काम का है। अब जो बात मैं कर रहा था, सुन लीजिए आप लोग भी सुन लीजिए, मैं बात कर रहा था देश में इस बार गैस पे पक्का क्वेश्चन आएगा, UPSC इस बार डैम श्योर, मैं बोल रहा हूँ गैस लिक्विड क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो आपके लिए क्वेश्चन आपको तैयार क्या करना है समझिएगा, गैस पे क्या क्या तैयार करना है आपको, आपको तैयार करना है कि LNG क्या होती है, ठीक है, LNG के प्लांट्स कहाँ कहाँ पर हैं इंडिया पर, कहाँ कहाँ पर हमारे पास बंदरगाहों में स्थिति LNG गैस के बारे में, LNG लिक्विड नेचुरल गैस कहाँ का पोर्ट है हमारे पास। एक कंपनी का नाम मैं दे रहा हूँ, सर्च कीजिएगा नेट पर, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, पेट्रोनेट, ये कंपनी क्या है, क्या काम करती है देश में। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी देश के साथ पैक्ट किया है LNG डील का, LNG डील की भाषा करने किसी देश के साथ, वो कौन कौन से देश हैं उसके नाम ढूंढिएगा, थोड़ा सर्च कीजिएगा रिसेंटली, एक तो ट्रम्प साहब का देश है अपने, रिसेंटली डील की भारत सरकार ने LNG को लेकर। उसके अलावा LNG को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पाइपलाइन बनाई गई है देश के अंदर, एक का नाम है ऊर्जा गंगा, बात हुई एक बार मेरी आपके साथ, ऊर्जा गंगा ये कहाँ से कहाँ जाती है, एक बनी है देश में ये नॉर्थ ईस्ट इंद्रधनुष वाली, नॉर्थ ईस्ट नेशनल गैस ग्रिड ये बना रहे हैं हम लोग, एक हमारे पास है हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, ये इनका रोल क्या है। और एक लास्ट पॉइंट ढूंढिएगा कि ये जो गैस आती है, गैस के बेनिफिट क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं, कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, एनर्जी मिल रही है आपको, या देखिए पाइपलाइन बनती है ना जब कोई, तो ये पाइपलाइन नहीं बनती है वहाँ पर, वो पाइपलाइन में बनने वाले फर्टिलाइजर प्लांट भी चालू हो जाते हैं, जैसे कि हम देखें गोरखपुर प्लांट है, बरौनी है आपका, या फिर आपका सिंदरी है, यहाँ पर प्लांट चालू हो जाएंगे उर्वरक बनाने के, ठीक है। अगर पाइपलाइन आएगी तो क्या उर्वरक प्लांट चालू नहीं होंगे, आपके घरों तक पाइप के द्वारा गैस पहुँचेगी, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई, सिटी गैस सप्लाई अच्छी होगी। तो मैं चाहूँगा याद रखिएगा, CGS सिटी गैस सप्लाई, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फर्टिलाइजर बेहतर बनेंगे देश के अंदर, प्लस आपके जो इलेक्ट्रिक वाहन जो चलते हैं उनमें आप CNG प्रयोग कर पाएंगे कम से कम, यानी पॉल्यूशन कम होगा, यानी मल्टीपल फायदे होते हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन के दोस्तों। तो गैस बहुत ज़रूरत की चीज़ बन गई है आजकल, और मेरा मानना है गैस पे क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। तो तैयार रखिए गैस को लेकर बातें आपके साथ, पाँच मिनट दे रहे थे बस, थैंक यू आप पाँच मिनट के लिए। टॉपिक रॉट क्या है IR के, आप कह रहा टॉपिक रॉट क्या है दोस्तों, इन सब में गैस वही होती है CNG, अल्टीमेटली गैस वही आपकी नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस ही होती है सबके अंदर, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, कहीं कंप्रेस फॉर्म में होती है, गैस वही होती है यहाँ पर। चलो दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ, पहली खबर से बाहर आ रहा हूँ मैं, स्ट्रीम से बाहर आ रहा हूँ, टर्क स्ट्रीम से बाहर आ रहे हैं खबर, दूसरी खबर लेंगे दोस्तों आपके साथ, दूसरी खबर देख लेते हैं एक बार, ये तो काम का नहीं है, ये नहीं है वो स्लाइड्स। तो दोस्तों एक काम करिएगा, जाने से पहले ना जाएं जब, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना है आपको ना, भूलना नहीं है ना,
आपका भागीदार मत बनिएगा। संडे का दिन पढ़ा रहे हैं सर आपको, विशेष क्लास ले रहे हैं, आरंभ भी कर सकता दिन के समय, कोई मना नहीं कर रहा था मुझे, लेकिन मैंने कहा चलो यार जो बात हो जाए उतना अच्छा, जितना समझ जाए उतना अच्छा। तो बैठे हैं यार, सुना करो आराम से, इतना समय मिलता है, ज्ञान है, इकट्ठे करते रहा करो, ठीक है। चलिए तो बात करें आपके साथ, दूसरी खबर हमारे पास क्या है, आईआर मेरा टर्किस्टिंग पाइपलाइन के बाहर आते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, काला पानी जानते हैं, बात क्या काला पानी को लेकर, तो काला पानी बता दूं, विवाद तो आप जानते ही होंगे, बता दिया पवन सर ने आपको, मैं कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दूं आपके लिए, काले पानी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम जोड़ पाएं तो अच्छा रहेगा। अब चूंकि आप मेरे साथ बैठे हैं तो मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको दिखाऊं काले पानी पर, कुछ चर्चा करूं आपके साथ। तो काला पानी बात आशीर्वाद सर के आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, जिला पिथौरागढ़ कहाँ पर है, उत्तराखंड में आता है, ये नेपाल का बॉर्डर है, जो विवादित क्षेत्र है ना यहाँ पर, विवादित क्षेत्र कौन सा है वो समझिएगा, विवादित क्षेत्र दोस्तों वो ये है, ये है विवादित क्षेत्र जहाँ पर विवाद है सारा का सारा। विवाद क्या है थोड़ा सा आगे ले चलूँ मैं आपको इस वीडियो में तो अच्छा रहेगा। ये जो विवादित क्षेत्र है इसकी बात हम करें यहाँ पर, थोड़ा सा हटा दिया जाए इसको यहाँ से, तो विवादित क्षेत्र आप देखेंगे, थोड़ा फुल स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पिथौरागढ़ का इलाका, विवादित क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसमें समस्या क्या दोस्तों, इस क्षेत्र की समस्या क्या देखेंगे आपके साथ एक बार। तो यहाँ पर जो लिपु लेक दर्रा एक लिपु लेक पास बना है दोस्तों यहाँ पर, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर काली नदी बहती है, यहाँ पर काली नदी बॉर्डर पे, जो बॉर्डर पर है इंडिया नेपाल की काली नदी है यहाँ पर, जिसमें कोई समस्या नहीं है। इसका विवाद की जड़ कहाँ होती है वो देख लेते हैं आपके साथ। 1962 के युद्ध के दौरान, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, इंडिया चीन का युद्ध हुआ था जब 1962 में, तब भारतीय सैनिकों ने इस जगह पर अपनी चौकी स्थापित कर दी, इंडो टिबेट बॉर्डर पुलिस जो है अपनी, उसने एक पुलिस चौकी बना दी, अपनी चौकी बना दी यहाँ पर, और वो चौकी कहाँ बन गई दोस्तों, यहाँ पर बन गई इस जगह पर, मुझे कहना चाहिए बिल्कुल सेम बन गई। तो भारत के लोग मानते हैं कि काला पानी पिथौरागढ़ में है, और नेपाल के लोग मानते हैं कि काला पानी कहाँ पर है, काला पानी नहीं है वो दार्चुला में है, यानी नेपाल के इलाके में आता है, दोनों राज्य अलग अलग मांग है। मैं आता हूँ मेन विवाद पे लेकर दोस्तों, मेन विवाद समझिए क्या है, मेन विवाद ये है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं काली नदी दिखा दूँ, ड्रॉ कर दूँ मैं आपके, थोड़ा जूम कर लिया जाए इसको, मोटा सा कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा, और लाल कर दिया जाए, ठीक है। अंग्रेज़ों और नेपालियों की जब संधि हुई थी संगोली की, उसमें कहा गया था कि काली नदी का इलाका होगा, काली नदी के इस भाग में इंडिया का माना जाएगा, ये भाग नेपाल का माना जाएगा, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तब यहाँ तक ही एक्सेस होता था, अब यहीं तक जा सकते थे, तो यहाँ तक वो गए सर्वे करने, उन्होंने कहा इधर इंडिया का, इधर वाला नेपाल का, ये नेपाल है ये इंडिया है। लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हो गया, सर्वे आ गए, मशीनें आ गई, तो हम जान पाए कि यार काली नदी जाती कहाँ पर है, तो काली नदी का उद्गम यहाँ होता है, हमने देखा बेसिन या पूरा यहाँ पर बना है, काली नदी का पूरा उद्गम यहाँ से होता है, ये ग्लेशियर का पानी पहुँचता है यहाँ से, काली नदी के अंदर यहाँ से पानी आता है ग्लेशियर्स का, यहाँ पर तो पानी ग्लेशियर्स का आता है, यानी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है एक प्रकार से। तो भारत ने कहा ठीक है जनाब, नदी का उद्गम यहाँ हो रहा है, तो ये इसका श्रृंखला हो गई, तो ये इलाका पूरा हमारा है, ये इलाका पूरा हमारा है, और इधर इसके बाद नेपाल का इलाका, ये इलाका नेपाल का है। तो भारत ने क्लेम कर दिया अपना, नेपाल ने कहा नदी तो ये है, तो आप इधर हैं और हम इधर हैं, यानी मैं दो कलर कर दूँ आपके लिए। तो नेपाल ने कहा कि आपका इलाका इधर आता है, हमारा इलाका इधर आता है, नेपाल इस बाउंड्री को मानता है, भारत इस बाउंड्री को मानता है, तो केवल अंतर यहाँ पर है, इस पूरे इलाके को लेकर विवाद बन गया अपने आप में। तो यह है काला पानी विवाद, सिंपल भाषा में कहा जाए, सीमांकन ना होना, डिस्ट्रीब्यूशन ना होना, एक बड़ी समस्या है दोस्तों यहाँ पर, यह विवाद है, ठीक बात है। अब इस विवाद को क्या समस्या आती है बात समझिएगा, इस बात की समस्या दोस्तों ये है कि इससे भारत और नेपाल के संबंध खराब रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ कुछ तस्वीरें यहाँ पर, ये सब लिंक कर पाएंगे किस प्रकार भारत को नेपाल बदनाम करता है अपने इलाकों में। तो यहाँ पर बात करें आपके साथ, छोड़ दीजिए इसको, नेपाल ये सब देखिए ना, समझ आ गया होगा अब तो आपको, वैसे इतना जुम नहीं हो पाएगा सेम, चलिए कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बाउंड्री बॉर्डर देख रहे हैं, तो जो नील लाइन है वो नेपाल बोलता है, लाल लाइन इंडिया बोलता है, लाल वाला हमारा इलाका है, काला पानी हमारा इलाका है, ठीक है। अब होता क्या है ना इसमें, देखिए यहाँ पर जैसे नेपाल का मीडिया बदनाम करता है भारत को, ठीक है, कहता है भैया तुम सोते रहो नेपाल के लोगों, उधर से देश कब्जा कर लिया, भारत कब्जा कर लिया यहाँ पर। या फिर आप दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पर कुछ और तस्वीरें दिखाऊँ, यहाँ पर नेपाल की पॉलिटिक्स में लड़ाई चल रही है अंदर, और भारत ने उनके इलाके छीन लिए, उनमें दरार पैदा कर दी उनमें, तो कुल मिलाकर बदनाम करते हैं भारत को बहुत ज़्यादा। जैसे एक तस्वीर ये देखिए आप यहाँ पर, मनमोहन सिंह साहब का आर्टिकल है कि वो बैठे नेपाल के ऊपर हैं, पाँव उनके इंडिया में हैं, और कह रहे हैं दोस्त मैंने तुम्हारी ज़मीन पर पाँव भी नहीं रखा आज तक, मैंने तुम्हारी ज़मीन पर पाँव भी नहीं रखा, मेरे पाँव दोनों इधर हैं, मैं बैठा भले तुम्हारे ऊपर हूँ लेकिन मेरा पाँव एक भी नहीं रखा, मतलब मेरा एक कदम भी तुम्हारी ज़मीन पर रखा गया है। बड़े इंटरेस्टिंग बातें हैं ये, इन पर समझ आना चाहिए हमको यहाँ पर कि ये प्रोपेगेंडा फैलाता है नेपाल हमारे खिलाफ अपने देश में, और इससे इंडिया भारत के संबंध में खराब होते हैं। तो काला पानी नया वाद नहीं है, बहुत पुराने वाद हो चुका है,
उम्मीद करते हैं सुलझना चाहिए मामला, क्योंकि सुलझने से बॉर्डर में शांति स्थापित होगी दोस्तों। तो यह है काला पानी का बाद मुश्किल नहीं हुआ, चर्चा में था सब काला पानी। पवन सर स्पेशल क्लास दे चुके हैं काली पानी की आपकी, तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा डिटेल में ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ, और हमारे पास क्या है यहाँ पर, और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या है आज के। ओके दोस्तों, इसके अलावा वी हैव अलग और भी हमारे पास है काले पानी के अलावा। स्क्रीन काली मत करो यार, स्क्रीन तो वाइट करो। हाँ, योगी नेपाल हो गया, हाँ समझिएगा। एक मुद्दा हमारे पास चर्चा के लिए है, वो है तुर्की और लीबिया के संबंध। दोस्तों समझेंगे आपके साथ तुर्की लीबिया का संबंध हुआ क्या है मामला, मामला सुन लेते हैं सीधे सीधे शब्दों में आकर। मामला दोस्तों सिंपल सा ये है कि तुर्की ने क्या किया है, लीबिया के इलाके में सेना भेज दी अपनी, ठीक है सुनिएगा आराम से। तुर्की ने क्या किया है, लीबिया के इलाके में सेना भेज दी अपनी, तुर्की ने लीबिया में सेना भेज दी है, अप्रूव कर दिया सेना जाएगी लीबिया के अंदर उसकी। अब लीबिया का मैप देख लेते हैं, मैप में क्या है लीबिया, क्या चल रहा है लीबिया में, समस्या ढूंढने का समस्या को हम लोग काम ढूंढते हैं यहाँ पर, ठीक है बात करें लीबिया के बारे में आपके संग दोस्तों। तो लीबिया की समस्या क्या एक बार फील करें आपके संग हम लोग यहाँ पर, तो मैप देखें लीबिया का। पहली बात तो लीबिया है कहाँ पर जानते हैं आप लोग ना, जो अफ्रीकी महाद्वीप है उसका उत्तरी पार्ट है लीबिया, ये देश है लीबिया, इसके भाग की बात कर रहा हूँ मैं। आपको दो चीज़ दिख रही है लीबिया, कहते हैं लाल इलाका और निहरा इलाका। तो 5 मिनट सुन लीजिए बैकग्राउंड, यहाँ पर 5 मिनट दीजिए आराम से बैकग्राउंड समझा दूँ। बात यहाँ से कुछ साल पहले की दोस्तों, जब लीबिया में रूल था मुहम्मर गद्दाफी का, तानाशाह थे गद्दाफी साहब, उनको अमेरिका और एलाइड फोर्सेस ने हटाया सत्ता से, वो जनता पर दमन कर रहे थे जनता का, तो अमेरिका ने अपने फाइटर जेट की सहायता से हटाया उनको वहाँ से, उन्होंने हटा दिया गद्दाफी को, मार भी दिया जनता ने गद्दाफी को, उसके बाद तानाशाह को मार दिया उन्होंने अपने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गद्दाफी के जो सैनिक थे, गद्दाफी के जो खास रक्षक थे, सेना थी उसकी करीबी सेना, वो तितर बितर हो गई, राजा मर गया, तितर बितर हो गई, और काफ़ी कमांडर चले गए मालूम कहाँ उसके, इस देश के राजधानी त्रिपोली, इस देश की त्रिपोली देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग, त्रिपोली बनी राजधानी यहाँ पर, तो वो चले गए इस देश के दूसरे भाग में, वो चले गए अपने 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 इलाकों में। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं इसमें आता है बेंगाजी का इलाका आता है, वो चले गए इस इलाके में, और ये इलाके में कब्जा कर लिया उन्होंने जाकर। तो क्या किया, जो सेना में थे, किसकी, गद्दाफी की सेना में थे, उन्होंने कब्जा कर लिया इस इलाके पर आकर, और यहाँ पर वो सेटल हो गए। तो इस देश के दो पार्ट बन गए, एक लीबिया जिसमें यूएसए का समर्थन था, जिसको यूएन का समर्थन था, वो लीबिया, और एक लीबिया इसको सेना ने कब्जा कर रखा था, किसकी सेना ने, गद्दाफी की सेना ने कब्जा कर रखा था दोस्तों। चलिए थोड़ा मैप देखते हैं आपके जूम करके थोड़ा कम करके। तो दो सेना दिख रही है हमको यहाँ पर, एक लाल रंग का मिलिट्री नॉमिनी लॉयल टू यूएन बेस्ड गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो यूएन द्वारा समर्थित है, और एक ग्रीन इलाका किसका है, जनरल हफ्तार एलएनए फोर्सेस लीबिया नेशनल आर्मी, यानी जनरल हफ्तार एक जो जनरल थे किसकी सेना में, वो सेना में अध्यक्ष थे सद्दाम हुसैन की सेना, माफ कीजिएगा गद्दाफी की सेना में, गद्दाफी की सेना में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तानाशाह गद्दाफी की। तो ऐसे में उन्होंने कब्जा कर लिया इस इलाके में, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उसका अटैक किया इसके ऊपर, कुछ अटैक किया इसके ऊपर। अब लीबिया की रक्षा के लिए कौन आया मालूम है, टर्की उतर के आया है। तो ये एक नई बात आ गई है, टर्की ने सेनाएं भेजी हैं लीबिया में अपनी, जिसको लड़ सकें हफ्तार की सेनाओं के खिलाफ, इसको रोका जा सके। ये एक नया बदलाव है इस हफ्ते यहाँ पर, लीबिया ने सेना भेज, तुर्की ने सेना भेज दी किसमें, लीबिया में अपनी। आराम सुनिएगा दोस्तों, मेरा मामला थोड़ा गंभीर होता जा रहा है यहाँ पर, मामला गंभीर हो रहा है दोस्तों, सुनते जाइएगा आराम से। चलिए चलिए कोई बात नहीं, देख लेने बाद में, कोई नहीं जा रही क्लास यार, कहीं नहीं जा रही है, मैं बता रहा था आपको दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, लीबिया में सेना भेज दी तुर्की ने अपनी, क्यों भेजी, मेन बात है क्यों भेजी है, बहुत प्यार सुन लीजिए आराम से। गद्दाफी साहब जो थे, हम बहुत ध्यान सुनिएगा आराम से, बहुत प्यार से मिनट में, गद्दाफी साहब जो थे वो किसके करीबी थे, वो करीबी थे सऊदी अरब के, यूएई के, खाड़ी देशों के, तानाशाह थे लेकिन बहुत करीब संबंध था सऊदी अरब के तानाशाहों से उनका, ठीक बात है। उनकी सेना किसके लॉयल होगी, सऊदी अरब के लॉयल होगी उनकी सेना भी, ठीक बात है। अमेरिका ने मार दिया गद्दाफी को, एक नई गवर्नमेंट आ गई वहाँ पर जो सऊदी के संग तो कम से कम नहीं है, वो यूएन समर्थित है, वो यूएस समर्थित है, वो सऊदी यूएई के साथ तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में सऊदी यूएई ने क्या किया, जो जनरल हफ्तार थे लीबिया की सेना के, उनको पैसा दिया, रिसोर्स दिए, हथियार दिए, सेना तैयार कराई, ट्रेनिंग दी, और कहा जाके जीत लो, गद्दाफी खत्म, कोई बात नहीं, गद्दाफी के मरने के बाद हफ्तार वहाँ जाके बैठ जाएगा।
तो इनकी सोच ये थी कि गद्दाफी खत्म हो, कोई बात नहीं, हफ्तार बने रहेगा, हफ्तार वहाँ जाके बैठ सकता है। यानी कि सऊदी अरब सपोर्ट किसको कर रहा है यहाँ पर? हफ्तार को, बहुत स्पष्ट रूप से। ऐसे में सऊदी का इन्फ्लुएंस ना बढ़े इस इलाके में, सऊदी अरब का प्रभाव ना बढ़े, और तुर्की अब आजकल काम कर रहा है सऊदी के खिलाफ, यहाँ पर जानते ही हम लोग, पीछे हमने देखा अभी यहाँ पर संबंध रूस से बना रहा है या कहीं और देश में बना रहा है वो, तो ऐसे में उसकी तुर्की ने क्या किया, अपनी सेना भेज दी इसको बचाने के लिए। तो यहाँ पर लड़ाई किसके बीच हो गई बेसिकली, यहाँ पर लड़ाई हो गई तुर्की वर्सेस अरब की, सऊदी अरब की। पिस कौन रहा है? यूएन सेनाएं बनाम हफ्तार की सेनाएं, ये है मामला, असली मामला यहाँ पर। तो तुर्की ने सेनाएं भेज दी है कहाँ पर दोस्तों? लीबिया में अपनी। याद समझ में आ रही बात मुझे, क्या आपको आ गई है तो यस बता दीजिए करके मुझे, आपको बात समझ में आ गई है मेरी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ अभी। कहाँ गया चैट बॉक्स हमारा? जी हाँ, दोस्तों याद रखिएगा, लाइक कमेंट कम नहीं होने चाहिए आप लोगों के, ये स्पेशल सेशन रहते हैं यार, मतलब बिना बता मैं आ जाता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा मेहनत का सामान होना चाहिए, टीम बैठ जाती है, उनको छुट्टी था, उनका ऑफ हो गया क्लास, हम भी आराम से जाएँ, मैं कहा नहीं यार बैठो यार क्लास करते हैं, बच्चे बैठे होंगे सुना दें कुछ कहानी रहा, तो टीम का सम्मान करो, थोड़ा सा अच्छे से कमेंट करा करो आप लोग, मैं तो पढ़ूँ ना, टीम जरूर पढ़ती है कमेंट्स को, तो टीम पढ़े तो उनको अच्छा लगे कि उनकी मेहनत सफल हो रही है यहाँ पर, तो प्लीज़ अपना प्यार बना के रखिए हम तो से। मेरी 3 बजे क्लास है अगली, टाइम है मेरे पास, चिंता ना करें, 3 बजे क्लास है अगली मेरी। ओके दोस्तों, एक दो खबर और आऊँगा फटाफट मैं आपके साथ। अच्छा कैसा लग रहा है सेशन ना आपको? बोर होने तो बंद कर दूँ बताइए, कमेंट बॉक्स में देखता हूँ मैं, क्या आपको पसंद आ रहा है सेशन ये? तो मेरे पास देखिए वैसे यार लंच वंच करूँगा जाके, मैं अपना खाना खाऊँ, क्लास जाऊँगा 3 बजे, फिर मैं समय था मैंने आपको दिया दोस्तों, मैं पास कोशिश करता हूँ कि इतना समय है मैं दे पाऊँ आपको। मैं बहुत रिग्रेट हूँ अपने एक फैसले के लिए जो मैंने कुछ महीने पहले कहा था बच्चों से, पूरा नहीं कर पाया। मैंने कहा था मैं आपको NCERT टेस्ट सीरीज पूरी कराऊंगा, लेकिन टाइम की वजह से नहीं हो पाया वो, मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ उस फैसले में अपने, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ अपना प्यार बना के रखिए, आपने बहुत प्यार दिया मैं जानता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ बहुत दिल खुश होता है मेरा, मतलब आजकल खाने से ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना कि यार एनर्जी उससे ज़्यादा मिल जाती है मुझे, तो प्लीज़ अपने कमेंट अच्छे रखे रखा करें, क्योंकि वो कम हो गए तो लगेगा मेरा प्यार कम हो गया, तो वो ना करें आप। मैंने कहा थोड़ा टाइम बढ़ाना है, इसलिए मैं आजकल फेसबुक में लिखा मैंने आज कि फेसबुक को आराम दे रहा हूँ थोड़ा समय के लिए, मैं अब थोड़ा फेसबुक पर ही दिखूँ कुछ लोगों को मैं, तो ठीक है फेसबुक लिखना कोई ज़रूरी काम नहीं था। मैंने कहा टाइम बढ़ाया जाए क्लास का, पढ़ा जाए थोड़ा सा, अब बजट आने वाला है, इकोनॉमिक मैटर चालू हो गए, करंट अफेयर्स बढ़ाना पड़ेगा, तो चलिए फोकस करें क्लास के ऊपर थोड़ा सा, अपने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। तो प्लीज़ अपना प्यार रखिएगा बना के इस प्रकार दोस्तों हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ, बहुत जल्दी मैं अपनी ऐप में बहुत सारी चीज़ ला रहा हूँ आपके लिए, ऐप पे बहुत सारी फ्री चीज़ लाऊंगा आपके लिए, तो कंटेंट टेलीग्राम पे है, ऐप पर है, तो PDF कैसे मिल रही होंगी, उम्मीद करो PDF मिल रही होंगी सारी आपको मेरी, अब तो जो PDF होती हैं खासकर हिंदी माध्यम में सारी PDF मिल जाती हैं आपको। PDF का फोल्डर मैं कहूँगा लिंक सेंड आपको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि PDF कैसे आपको मिलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, चिंता ना करें, तो अपना प्यार रखिए बनाकर। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर आते हैं हम लोग यहाँ पर, चलिए हाँ ये तो बात है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ यार, मुझे भी अच्छा लगता है आपके साथ, मतलब मेरी आप आदत बन गए हैं यार, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। चलिए प्लीज़ आगे आगे दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं आपके साथ, अगले टॉपिक पे आते हैं यार, और क्या हमारे पास से बात करने के बड़े मुद्दों में क्या है, काला पानी हो गया, एक लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग लोकेशन है, तस्वीर दिखा दूँ मैं फिर आगे बढ़ूँगा आपके साथ। ये एक तस्वीर हमारे पास है, कहाँ गई तस्वीर, क्यों नहीं दिख रही है ये तस्वीर, एक फैला हुआ दूर तक फैला हुआ एक बियाबान, उसमें कुछ घर बने हुए हैं, खेती नाम की जगह नहीं है यहाँ पर, कुछ सुविधाओं की जगह नहीं है, लगता है स्लम बस्ती देखने में लगता है दूर दूर से, या फिर हम लोग यहाँ पर आएँ ये बस्ती का दूसरा रूप भी है, जहाँ कुछ गरीब परिवार आपको दिख रहे हैं, कुछ पॉलिथीन ढके हुए घर, दूर दूर तक बने हुए घर ही घर बने हैं यहाँ पर, जैसे कोई गाँव कोई कस्बा कोई मलिन बस्ती हो, जी नहीं, ये ना तो मलिन बस्ती है, ना कोई स्लम है, ना कोई ये गाँव है, ये है रेफ्यूजी कैंप। मैं सिर्फ दिखाने आपको लाया हूँ शक्ल इसकी, रिफ्यूजी कैंप है, ये है बांग्लादेश का रिफ्यूजी कैंप, जिसका नाम दोस्तों बता दूं मैं आपको यहाँ पर, इसका नाम है, देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या है, कुटू पलांग रिफ्यूजी कैंप, याद रख पाएंगे हम लोग इसका नाम, कुटू पलांग रिफ्यूजी कैंप। एंकी सर को थैंक यू, जी हाँ एंकी सर थैंक यू, आपको भी कहा जा रहा है बच्चों द्वारा, तो एंकी सर रिप्लाई कर रहे हैं आपको, कुटू पलांग रिफ्यूजी कैंप दोस्तों, कुटू पलांग रिफ्यूजी कैंप देख रहे हैं आप यहाँ पर, क्या है कुटू पलांग रिफ्यूजी कैंप, बॉर्डर देख रहे हैं कहाँ पर है ये म्यांमार इस तरफ, उस तरफ बांग्लादेश, तो कौन रहेगा रिफ्यूजी कैंप में, इस कैंप में कौन शरणार्थी होंगे, तमिल शरणार्थी, पाकिस्तान से शरणार्थी, या रेफ्यूजी रोहिंग्या शरणार्थी, जी हाँ इसमें रहते हैं रोहिंग्या शरणार्थी, जी हाँ याद रखिएगा, पहले छोटा सा था बेचारा कैंप ये, रोहिंग्या के बसते गए, जो ग्रीन इलाका दिख रहा है बीच का ना आपको, ग्रीन इलाका गायब हो गया, पहले पैचे छोटे छोटे थे ये, अब क्या हो गया ये पूरा एक इलाका जंगल साफ हो गए और यहाँ बस गए हैं
रोहिंग्या शरणार्थी, जी हाँ ये वही बॉर्डर है, वही इलाका है। और कहाँ बना देख सकते मैप में, कहाँ बना देख रहे हैं बिल्कुल बॉर्डर में, अब देख सकते हैं इसमें कहाँ बना हुआ, बिल्कुल नीचे देख रहे हैं मैप में कहाँ बना हुआ, ये बिल्कुल बॉर्डर पर इंडो म्यांमार। तो पूछ सकता है पीटी में, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुटू पलोंग रिफ्यूजी कैंप हाल में चर्चा में था, ये किस देश में आता है या कौन शरणार्थी यहाँ रहते हैं, तो यहाँ रहेंगे दोस्तों रोहिंग्या। मैं यूपी का मास्टर हूँ दोस्त, यूपीएससी पढ़ा दूँ आप लिखा है। दिनेश कह रहे हैं सर आप यूपीएससी के मास्टर हैं, अरे यार इतनी देर बाद मालूम पड़ा आपको यूपीएससी के मास्टर हूँ। या टर्क वाला है सर आप तो मास्टर हैं, वाला है क्या वो एक्सप्रेशन है क्या इसके पीछे, सर आप तो मास्टर हैं, हाँ वो है तो ठीक है बिल्कुल। नहीं मास्टर वास्टर नहीं दोस्त, मैं बहुत स्टूडेंट हूँ यूपीएससी का, सीखता रहता हूँ चीज़ें आप लोगों के साथ, बहुत चीज़ें नहीं आती हैं मुझे अभी, गूगल मुझसे ज़्यादा जानता है, तो ऑफकोर्स मैं इतना जानता, गूगल जानता है जितनी चीज़ों को। तो कुटू पलोंग ये क्लियर, हमको कुटू पलोंग याद रखेंगे वन लाइन में, रिफ्यूजी कैंप इन म्यांमार इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में था कुटू पलोंग, चर्चा में था क्यों, क्योंकि यहाँ पर रोहिंग्या समुदाय के लोग आके बस रहे हैं कुटू पलोंग। चलें दोस्तों स्थिति देख लीजिए एक बार, स्थिति देख लीजिए अपनी गंभीर स्थिति है वहाँ पर, लगातार आबादी बढ़ती और दूर तक फैलता जा रहा है रिफ्यूजी कैंप, लगातार घर बनते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है रिफ्यूजी कैंप कुटू पलोंग, 7 लाख शरणार्थी आ चुके हैं अब तक और आने वाले हैं यहाँ बहुत तेजी से यहाँ पर कुटू पलोंग। चलेंगे दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ, और क्या है हमारे पास कुटू पलोंग के अलावा दोस्तों, इस हफ्ते अमेरिका ईरान का झगड़ा चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा, मतलब कई बार बता चुका हूँ तो मैं रिपीट नहीं करूँगा सारी बातों को। 2 हमले हुए हैं, मिसाइल से अटैक किए ईरान ने, कहाँ कहाँ किए दोस्तों याद है आपको, 2 लोकेशन बताई दी आपको, एरबिल और अल असद 2 लोकेशन हैं। तो 2 लोकेशन पर ईरान ने हमला किया, घटनाक्रम जानते ही नहीं जानते सुली दोमेटरा, घटनाक्रम क्या हुआ दोस्तों, पहले अमेरिका ने अटैक किया जनरल सुलेमानी के ऊपर, अरे हाँ बताना भूल गया मैं आपको, मैं यार लगातार बोलता हूँ मुझसे ना समझा करें इस बात को, बेचारे बच्चे फेसबुक पर कह रहे हैं सर अच्छा वो सुलेमानी मारा गया और आतंकवादी मारा गया सुलेमानी, और ईरान का आतंकवादी था वो ये वो, ट्रंप साहब ने अच्छा किया मार के, मोदी साहब ने बधाई दी ट्रंप साहब को, सारी बातें ठीक है बिल्कुल सारी बातें ठीक है, यानी आप सुलेमानी की मौत पर खुश हैं ठीक बात है। आईएसआईएस का स्टेटमेंट आया है कल, उसे सुलेमानी की मौत से बहुत खुश है, आईएसआईएस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल आया है कि वो सुलेमानी की मौत से खुश है, और आप भी खुश हैं, बोलने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ती यहाँ पर क्या कौन क्या हो रहा है, फिर आप वही भाषा बोल रहे हैं जो आईएसआईएस बोल रहा है, दोनों ही खुश हैं अगर सुलेमानी की मौत से, तो नाराज़ कौन था यार, सुलेमानी किसके लिए समस्या कर रहा, सुलेमानी किसके लिए बात काम कर रहा था, फिर हमेशा कहते हैं दोस्तों सोच के हम रखें कि हम आखिर क्या जानते हैं, हमें वो जानते हैं जो पश्चिम मीडिया बता रहा है हमको यहाँ पर, यह हम अव्यक्ति आज रखते हैं अपने पास में, तो प्लीज़ समझें इन बातों को। सुलेमानी को अमेरिका बता रहा है ना आतंकवादी यार, एग्जाम्पल बताऊँ छोटा सा एग्जाम्पल दूँ आपको सुनिएगा जरा, अभी अमेरिका ने क्या किया था पीछे ना, अमेरिका ने ईरानी रिवोल्यूशन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGS एक सेना है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड इस्लामिक क्रांति की रक्षा करने वाली एक सेना, इसे अमेरिका ने आतंकवादी सेना करार दिया था ठीक बात है, अमेरिका ने कहा ये आतंकवादी हैं सबके सब IRGS के जितने भी सेना में लोग हैं, अभी है कौन, ये ईरान की मुख्य सेना का नाम, जैसे भारत में होती है ना एयरफोर्स, भारत में होती है ना BSF, भारत में होती है ना हमारे पास नेवी, ऐसी ईरान की सेना का नाम है IRGS, जैसे BSF है उनका IRGS उनके पास, उसे एक देश कहता है तो आतंकी हैं सारे के सारे ठीक बात है, इस आतंकी के कमांडर साहब ने मार दिया उसको, ईरान कहता है नहीं जनाब ये CIA है ना CIA अमेरिका की जाँच एजेंसी, ये आतंकवादी है, ईरान ने घुस कर रखा ये आतंकवादी है, यार याद रखिएगा IRGS को UN ने घोषित नहीं किया आतंकी कभी, सुलेमानी को आतंकी घोषित कभी नहीं किया UN ने, अमेरिका ने खुद ने कहा तो आतंकवादी मार दो उसको, तो केवल अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी उसको, UN ने कभी घोषित नहीं किया, ऐसे में अमेरिका बोलता है ये आतंकी सेना है, इस कमांडर भी आतंकी मार दो उसको, यार वही सुलेमानी इसने मदद की थी IS को मारने में आपकी, वही सुलेमानी था ये आदमी, इसलिए IS खुश हो रहा है कि मर गया सुलेमानी कम से कम, तो आप किसकी भाषा बोल रहे हैं, हमें वो काम नहीं करना पक्षियों के सोचे चीज़ों को हम लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ, तो बता रहा था आपको हमला कहाँ हुआ है वो हमने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर याद रखना आपको अल असद और एरबिल ठीक है, 2 लोकेशन याद करनी है आपको यहाँ पर काम आएंगे आपको, ईरान ने मिसाइल से हमला किया। चलिए इसके अलावा कुछ और अपडेट हमारे पास इस इलाके में इस क्षेत्र से आया हो, इसके अलावा बता दूँ अमेरिका से कहा है मानो किसने, अमेरिका इराक की संसद में प्रस्ताव पास किया गया और उस प्रस्ताव में कहा गया भैया अमेरिका यहाँ से बाहर जाइए, हमारे देश से बाहर जाइए, आप क्यों आए थे हमारे देश में थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ आपको, कम आएगा आपको 2 मिनट दे दीजिए, 40 मिनट 10 मिनट हमारे पास है बात करने के लिए। बात है 2003 की,
अमेरिका ने इराक में एंटर किया था, अमेरिका इराक में एंटर कर गया था, उस समय सद्दाम हुसैन का नाम का एक तानाशाह हुआ करता था, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाने का लिए अटैक किया ईरान इराक के ऊपर, अटैक किया इराक के ऊपर सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए, और कुछ सालों में हटा भी, सद्दाम हुसैन को मार भी दिया उन्होंने यहाँ पर, और एक नया लोकतांत्रिक तरीके चुनाव भी करा दिए, कोई समस्या नहीं है इनको यहाँ पर, चुनाव बना हो गया, राष्ट्रपति बन गए, शांति नहीं हुई, बाकी सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ, उसका अमेरिका यहाँ चला गया, अमेरिका यहाँ चला गया यहाँ से फिर, लेकिन जब ISIS का भूमिका बढ़ी इस इलाके में, ISIS आ गया उत्तर के मौसम वौसम के इलाकों में, तो अमेरिका ने फिर एंटर किया इस देश के अंदर, फिर अमेरिका एंटर करता है ISIS खत्म करने के लिए। तो कुछ साल पहले अमेरिका दोबारा इस देश में एंटर करता है कि IS को ख़त्म करना है, इराक के साथ मिलकर काम करेंगे। यानी क्यों आया था अमेरिका दोबारा, उठकर सद्दाम को मारने नहीं आया था, वो आया था इस बार ईरान ISIS को मारने, खत्म हो गया ISIS, जाओ भैया देश के बाहर, क्या कर रहे हो हमारे यहाँ ना। तो यहाँ पर इराकी संसद ने कहा है, जनाब जाइए हमारे देश के बाहर, अब मर गया है बगदादी, खत्म हो गया ISIS, जाइए हमारा देश, छोड़ दीजिए हमारे रहम करम पर। बुरे से बुरा देशी शासन अच्छे से अच्छे विदेश शासन से बहुत अच्छा होता है, किसने कहा था लाइन, ये ढूंढेगा हिस्ट्री मिल जाएगी अब मॉडर्न इंडिया में। बुरे से बुरा देशी शासन, स्वदेशी शासन अच्छे से अच्छे विदेश शासन से भी अच्छा होता है। यानी हमारा, हमको छोड़ दो हमारे हाल पर, तुम चले जाओ यार, तुम हो गए अच्छे ट्रंप, तुम हो गए अमेरिका, तुम हो गए लिबरल, तुम हो गए इकोनॉमी, हमें नहीं चाहिए तुम यार, हम रूल खुद कर लेंगे, दया के लिए छोड़ दो हमें, हमारे पर छोड़ दो, ये कहना इराक की संसद का, और उन्होंने कहा निकलो बाहर। जैसे उन्होंने कहा निकलो बाहर, ट्रंप साहब नाराज़ हो गए, ट्रंप साहब ने कहा निकलने को कह रहे हो, अच्छा एक काम करो, बिल पकड़ा लो तुमको, तुम्हें इराक में तुम लड़ने आए, सद्दाम को उठाया मैंने, जो ISIS से लड़ा मैं तुम्हारे लिए, जो लाओ पैसा दो उसका मुझे, बिन बुलाए मेहमान तुम एक तो आगे लड़ने हमसे, पैसा मांग रहे हो हमसे उसी काम का, चलिए इंपॉर्टेंट नहीं, याद करने के लिए था एक प्रकार से क्या हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, हमारी बात आपको समझ में आ रही है मेरी बात, थोड़ा सा लाइट मूवमेंट बात करते हैं आपके साथ, लाइट मूवमेंट चीज़ चलती रहे आपके साथ होना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सर क्या आप फुल स्टोरी बताएं प्लीज़। तो फुल स्टोरी जानने के लिए दोस्तों मैंने IR की कुछ क्लास ली हैं, कुछ थोड़ा प्रयास किया था, आपको IR पढ़ाने का स्टार्टिंग पसंद नहीं आया, इसी बंद कर लिया मैंने IR, फिर अब रिया से पढ़ा रहे हैं आपको, तो बंद नहीं किया था, हालांकि मेरे जो टॉपिक पढ़ाने पढ़ाने दिया था, बेसिक मैंने आपको दे दिया था आइडिया, पूरा IR नहीं पढ़ाया था मैंने कभी, मैंने एक बेसिक आइडिया कहानी बताई थी आपको इतिहास की, तो उसमें है कहानी मिल जाएगी आपको, परमाणु बम कहानी मिलेगी वहाँ पर आपको, अमेरिका का महाशक्ति बनने की कहानी, उसके अंदर कोल्ड वॉर का अंत होना उसमें कहानी है, तो देखिएगा IR का पढ़ा प्लेलिस्ट पढ़ा मिल जाएगा आपको आराम से वहाँ पर, उसको देख लीजिएगा आराम से प्लेलिस्ट में, पूरा IR के 10-12 लेक्चर है मेरे, तो देखिए आराम से उनको एंजॉय किया कीजिए, उन्होंने IR को सुने आराम से, वीडियो भी देखते हैं सारी चीज़ों को। चलिए दोस्तों कहानी को आगे चलते हैं हम लोग, और क्या खबरें हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज, और क्या खबरें हैं हमारे पास, तो लोकेशन में देख लीजिए यहाँ पर, इसी बीच क्या घटना हुई सुन लीजिए यहाँ पर, इसी बीच घटना ये हुई कि ईरान ने एक सिविलियन प्लेन को, जो यहाँ से यूक्रेन जा रहा था, यूक्रेन का प्लेन था, एक सिविलियन प्लेन को, यूक्रेन इंटरनेशनल के प्लेन को मिसाइल से गिरा दिया। ये मान लिया हसन रूहानी साहब जो सर्वे सर्वाए वहाँ के, उन्होंने मान लिया ट्विटर पे अपने कि हाँ हमसे गलती हुई है। क्या कहा ईरान के राष्ट्रपति सुन लीजिए, आर्म फोर्स इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंक्लूडेड दैट रिग्रेटेबली मिसाइल फायर ड्यू टू ह्यूमन एरर कॉज द हॉरिफिक क्रैश ऑफ द यूक्रेन प्लेन, डेथ ऑफ 176 इनोसेंट पीपल, 76 लोग मारे गए उसमें, ये हमारी गलती की वजह से हुआ है, हमने मिसाइल दागी थी, सिविलियन प्लेन गिर गया। यार एक सिविलियन प्लेन 76 लोग मर गए, सोचिए वो क्या बीती हुई परिवार पर, सिर्फ अमेरिका की गलती कारण कि सुलेमानी को मारा उसने, कहानी वहाँ चालू हुई सारी की सारी, ईरान ने अटैक किया, सिविल मारा गया। आप याद करें दोस्तों, आपको याद होगा पुलवामा, या 14 फरवरी पुलवामा आपको याद होगा, पुलवामा हुआ इंडिया पर, हमारे सैनिकों पर हमला किया गया, हमारे ऊपर हमला किया गया, हमारे जवान शहीद हुए, बस पर अटैक किया गया उनकी, उसके बाद भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमारी एयरफोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, हमारे मिराज 2000 सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, उन सर्जिकल स्ट्राइक में बालाकोट को नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान के आतंकी को नुकसान पहुंचाया गया, अस्पष्ट खबरों के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 300-400 आतंकवादी मारे भी गए उस अभियान में। चलिए वो एक अलग बात है, अभियान हुआ, बड़ी बात ये थी हमने एंटर करके उनको घुर के मारा वहाँ पर, वो इसमें जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे पाकिस्तान के फाइटर जेट हमारी सीमा में एंटर करते हैं, उनके F-16 उनके फाइटर जेट हमारी सीमा में आए, जिन्होंने हमारे इलाकों में कुछ बमबारी भी की, हमारे इलाकों में सेना के इलाकों में बमबारी भी की, और जब हमारे सेना के जवान तुरंत ने रिएक्शन दिया हमारे एयरफोर्स ने, और पाकिस्तान को भागने को मजबूर कर दिया। उसी भागदौड़ में हमने दावा किया कि हमने पाकिस्तान के 2 विमान गिरा दिए हैं, 2 विमान गिराने का हमने दावा किया, और हमारे जो अभिनंदन थे हमारे सेना के जवान अभिनंदन, वो मिग लेकर उस तरफ क्रैश हो गए, जिससे उनको कुछ गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान द्वारा। बाद में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हवाला दिया,
प्रेशर बनाया, पाकिस्तान ने अभिनंदन साहब को रिहा कर दिया। ये कहानी सब जानते हैं। इस कहानी में बीच में क्या चीज़ आ गई, वो था आपका दो विमान गिराने का। प्रारंभ में दावा किया गया कि भारत ने दो विमान गिराए हैं पाकिस्तान के, ठीक बात है। बाद में लगा एक ही विमान, बाद में एक खबर आई कि एक ही विमान गिराया गया, बाद में गोलमोल कर दिया खबर को, एक ही विमान गिराया 16 का। हमारे तीनों सेनाध्यक्ष खड़े हो गए लेकर, देखिए ये एविडेंस है, ये इसकी टेल है, ये मिसाइल का टुकड़ा है, दिखा भी दिया आपको, आपको बता दिया कि F-16 गिरा दिया हम लोगों ने। चलिए मान लिया, सेना बता रही तो मानता हूँ, सेना बता रही तो स्वीकार करता हूँ, सच बताया होगा। लेकिन दूसरा कहाँ गया, दूसरा विमान कहाँ गया इसका, उसका क्या हुआ? तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया। बाद में कुछ दिन बाद मालूम पड़ा, एक घटनाक्रम में, इसी घटनाक्रम में, एक इस घटनाक्रम से जुड़ा एक घटना आई कि भारत का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है हमारे कश्मीर के अंदर ही। उसमें सेना के कुछ जवान थे, अधिकारी थे, उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए। यानी कि क्या हुआ, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया हमारा, मौसम ख़राब रहता है, हो गया होगा, कोई बात नहीं थी। तो उसकी जांच की गई, ख़राब क्यों हो गया, कौन सा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर था यार, बहुत मजबूत हेलीकॉप्टर वो, तो हमारे पास उस हेलीकॉप्टर का नाम था, कौन सा हेलीकॉप्टर था वो, MI-17 V5, बहुत MI-17 V5 हेलीकॉप्टर है वो, वन ऑफ द बेस्ट हेलीकॉप्टर दुनिया का, ऐसे क्रैश नहीं होता वो। तो बात हुई यार कैसे क्रैश हो गया, जांच होनी चाहिए, तो आखिर क्रैश वैश कैसे हो गया, ये हमारे जवान थे, हमारे लोग थे, आखिर क्रैश कैसे हो गया, हमारे इलाके में क्रैश कैसे हो गया। देश में उसमें चुनावी माहौल आ चुका था, मार्च चुनावी माहौल आ चुका था, तो बात को जाँच करती रही सेना, करती रही जाँच, करती रही सेना, करती रही। मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम की वोटिंग थी ना, लास्ट फेज की वोटिंग थी 19 मई के आसपास, एग्जिट पोल आ गया था, मतलब 19 मई की वोटिंग खत्म हो गई थी, एग्जिट पोल आ गया था देश में कौन चुनाव जीत रहा है, उसके सब उसमें देखा टीवी पर, तो एक रिपोर्ट आई सामने कि जो हमारा विमान, जो हेलीकॉप्टर गिराया गया था, गिर गया था, वो हमारी ही मिसाइल से गिर गया था, हमारी ही सेना की मिसाइल से हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया था। सोच सकते हैं मतलब क्या हुआ, हमने गलती की वहाँ पर, हमने कहा पहले तो मैंने कहा पाकिस्तान ने गिराया है ये, हमने तो कहा पाकिस्तानी मिसाइल से गिरा है ये हेलीकॉप्टर, बाद में हमारी मिसाइल से गिर गया हेलीकॉप्टर, ये तो दुख की बात है बहुत ज़्यादा कि हमारे सैनिक मारे गए हमारी मिसाइल से, आखिर ये क्या है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। उसके बाद कोई रिपोर्ट ज़्यादा सेना में आई नहीं, इसके बाद क्या किसको सजा दी गई या क्या हुआ, मामला ख़त्म हो गया। पूरी मामला ये है कि इस बार युद्ध क्षेत्र जो होते हैं, वॉर जब होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान अपना ही होता है। कई बार जब रेड अलर्ट लगा देते हैं आप, नो फ्लाई जोन कर देते हैं आप, नुकसान आप ही का होता है। तो बचना चाहिए इन चीज़ों से, हमको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, खासकर सिविल कैजुअल्टीज़ ना हो, अपनी चीज़ में ना दागें आप, आपको प्रोटोकॉल तैयार करने चाहिए इसके लिए, जो होते भी हैं लेकिन कई बार इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। तो एक छोटी सी अमेरिका ने गलती की सुलेमानी को मारकर, उसका परिणाम 176 परिणाम को देखना पड़ा यहाँ पर। अब वो ईरान ने जानबूझ के गिराया या ईरान ने गलती से गिर गया, वो एक अलग बात है, वो समय की जाँच की बात होगी क्या होगा। लेकिन इन पॉइंट बात है, वो भी व्यक्ति वो जो आतंकवादी नहीं था, आपकी पर्सनल एनिमिटी थी एक प्रकार से उस व्यक्ति से, जिससे आपने उसको मार दिया। चलिए तो 176 का मौत का ये बोझ ईरान पर भी है और अमेरिका पर भी है। उम्मीद करो समझ आई होगी बात मेरी आपको, यहाँ पर जो बताना मैं चाह रहा था पुलवामा केस से वो भी आप समझ गए होंगे उम्मीद कर रहा हूँ मैं। अंडर द लाइन, अंडर द करंट बल बोलते हैं, समझ में आना चाहिए आपको। यहाँ पर सेना राजनीति नहीं करती, हम हमेशा मानते हैं बिल्कुल नहीं करती राजनीति, सेना को दूर रहना चाहिए राजनीति से। अभी बिपिन रावत साहब भी कह रहे थे, चीफ डिफेंस ऑफिसर साहब हमारे, कि सेना को दूर रहना चाहिए राजनीति से। लेकिन कई बार हम देखते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मोदी की सेना, योगी की सेना, तो अच्छा लगता सुनने, भारतीय सेना यार वो इंडियन आर्मी है मेरी, वो किसी पॉलिटिशियन, किसी राहुल गांधी की, किसी मोदी की, किसी योगी की, किसी गांधी बाबा की जागीर नहीं है, वो भारतीय सेना है, उसको निष्पक्ष होना चाहिए। चलिए इंपॉर्टेंट बात दो करेंगे हम लोग, उम्मीद कर रहा हूँ लेक्चर पसंद आया होगा आपको मेरा आज का, प्रयास में कर रहा था छोटा सा, समय मेरा हो गया 3 बज गए, ऑफलाइन क्लास से चाय पीऊँगा, क्लास में जाऊँगा उसके बाद में। तो दोस्तों मैं क्लास रोकता हूँ अपनी आज यहाँ पर, पसंद आया तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, महापाप के भागीदार मत बनिएगा। तो दोस्तों मिलूंगा कल मैं आपसे सुबह 8:30 पर, वेकर अंसर पर बात करेंगे आपके साथ, उनकी फिलॉसफी पर, उनके विचारों पर, और किस प्रकार वो विचार काम आएंगे भारत की संस्कृति के, भारत के मुझे कहना चाहिए अपने UPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्लीज़ जरूर रहिएगा, बहुत अच्छा लेक्चर लूँगा, बहुत दिल से लूँगा उनका लेक्चर, में आइडल है मेरे लिए विवेकानंद सर, उनकी बात भी करूँगा आपके साथ यहाँ पर, उनके विचारों को जानेंगे आपके साथ। तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और सुबह ज़रूर मिलिएगा मुझसे, तब तक ले दीजिए मुझे आज्ञा, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।